नमस्कार, मैं जागृति सिंह। आप सभी अपन बिहार न्यूज चैनल दर्शकों को नमस्कार। नए वर्ष के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वर्ष मंगलमय हो। हमेशा की तरह अपन बिहार न्यूज चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज रोहतास में ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान लोगों ने सरकार से ऑनलाइन मार्केटिंग वाली कंपनियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। दरअसल टेहरी के थाना चौक पर खुदरा व्यवसायियों ने एक सुर में ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध किया, सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों की माने तो इससे उनकी दुकानदारी पर सीधा असर पड़ रहा है। एक तो सरकार की नीतियों से पहले ही बाजार में मंदी छाई हुई है और ऊपर से ऑनलाइन ने बुरा हाल किया है। अगर ऐसा ही रहेगा तो सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों को बंद कर रोड पर आना पड़ेगा। सरकार से इस पर हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए चैम्बर के सदस्यों ने कहा कि पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में डेहरी में भी धरना दिया गया है। धरने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बबल कश्यप, सचिव संतोष सिंह, सौरव कश्यप, प्रवीण अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, अमित कसौदन, अवनीश कुमार, रोहित, पिंटू, सोंडिक इत्यादि मौजूद रहे। श्वेता कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अपन बिहार। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा हो गया, स्नैपडील हो गया, ये सारे दो चार पॉकेट में जो पैसे सिमट के रह जा रहे हैं उससे खुदरा व्यवसायियों पर अत्याधिक अत्याचार हो रहा है। अत्याचार का मतलब ये हो गया कि एक खुदरा व्यवसायी केवल एक खुदरा ही बिक्री कर रहा है, उसके साथ उसका परिवार जुड़ा हुआ है, उसके साथ 10 बेरोजगार लोग भी जुड़े हुए हैं। आज उन लोगों के बेरोजगारों पर जो है मतलब महंगाई की मार कर गई है, कुछ पॉकेट में सिमट के रह जा रहा है। बड़ी बड़ी निजी कंपनियां जो है वो अपना अलग का एक पॉलिसी चलाकर अपना रेट का एक अपना महामारी करके और सारे पॉकेट को गाँव गाँव तक घुस की चुकी है। बस उसके खिलाफ में हम लोग का ये हल्ला बोल अभियान है और अभी ये शुरुआत है। अभी हम लोग का नेतृत्व जो है कुछ हम लोग का जैसे ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन हो गया, एक कैट संस्था है, वो सब दिल्ली के रामलीला मैदान में आज बड़े पैमाने पर इसका जो है अभियान चल रहा है, उसी के नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं। देखिए हम लोग सारे छोटे छोटे खुदरा दुकानदार हैं जो छोटे छोटे शहरों में है, गाँव में है, कस्बों में। सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ ही हैं जिससे ऑनलाइन कंपनियों को बढ़ावा मिल रहा है। वो लोग खरीद से भी कम दाम में प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनके पास से ग्राहकों की कमी बहुत तेजी से होती जा रही है। हम लोगों का कहना है कि सरकार ये कहती है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सरकार बनी हुई है। जब हमारे जैसे छोटे दुकानदारों पर, व्यापारियों पर सरकार अपना ध्यान नहीं देगी, अपनी पॉलिसी को हम लोगों के अकॉर्डिंग ढालेगी नहीं, तो फिर बड़े बड़े कंपनियों के हाथ में पूरा का पूरा व्यापार चला जाएगा। हमारे जैसे छोटे दुकानदार कहीं टिक नहीं पाएंगे उन बड़ी कंपनियों के सामने। समस्या क्या हो रही है? हम लोगों का समस्या है कि अगर ऑनलाइन कंपनी जो है अगर वो दाम कोई भी सामान बेच रही है तो सरकार को उसके दामों पर चेक करना चाहिए। बहुत कम कीमत पे अगर वो करके सामान को बेचेगी तो हम जैसे दुकानदारों का तो खरीद भी नहीं है उतरे पे, तो हम लोग बेच कहाँ से पाएंगे। हम लोगों के ऊपर अस्तित्व का संकट गहरा गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग अपनी अपनी दुकानों को बंद करके सारे लोग रोड पे चले आए।